यहाँ पर दोस्तों ये आस पड़ोसी भी परेशान थे। इनका भी कहना यही है कि ये लोग काफी बार रिक्वेस्ट करते हैं लोगों के ऐसे ना डालें इस बरगद के पेड़ के नीचे भगवानों की फोटो में मूर्तियां, क्योंकि यहाँ पर शराबी भी आते हैं, कुत्ते भी बैठते हैं, तो भगवान का अनादर होता है। तो अगर आपके एरिया में भी ऐसी परेशानी है तो हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे इस संस्थान से जुड़े, आप हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको ऐसी कहीं ऐसी फोटो दिखती है, वीडियो दिखती है, आप हमें भी शेयर करें और हम कोशिश करेंगे आपके एरिया में आकर हम उसको क्लीन करें। और ये भी मैसेज एक हमारे संस्थान की तरफ से और सबकी तरफ से ये जाता तो जरूर है, जो लोग देखते हैं इस वीडियो को वो शेयर जरूर करें, ताकि इस तरीके से भगवान का अनादर हम करना बंद करें। और जब हमारे घर में कोई फोटो या भगवान की कोई मूर्ति पुरानी हो जाती है, उसको चेंज करने का हम सोचते हैं, तो उसको किसी मंदिर में जाकर दें या फोटो को निकाल कर उसको जला दें, उस राख को नदी में प्रवाहित करें, नदी को भी पोल्यूट ना करें। और गत्ते वगैरह जो है, जो फ्रेम वगैरह, वो आप कूड़े में दे सकते हैं, उसमें तो आप उसको कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश करें कि सड़क पर ना फेंकें। तो यही हमारा एक प्रयास है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और आपके कोई कमेंट हैं तो आप प्लीज़ अपने कमेंट जरूर हमें लिखकर बताएं। हमने ये सारा ये पैक कर दिया है, तो हम आप देख सकते हैं सारा क्लीन हो गया है। ये भगवान की फोटोएं और मूर्ति हमने सारी उठा ली हैं, तो अब हम किसी मंदिर में जाकर किसी पंडित जी को देकर उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि वो उसका, जैसे मंदिर का जो रिलीजियस वेस्ट है, जैसे वो डिस्पोज करते हैं, वैसा इसको डिस्पोज करें। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।